मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर के तालाब के पास। और आपको बता दें कि दरअसल आज शंकर मंदिर का जो यहां पर तालाब है, इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो है गणेश विसर्जन से लेकर खास तौर पर हिंदू धर्म का जो त्यौहार है वहाँ पर आकर महिलाएं मनाती हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि जो छठ पूजा है, आने वाली 10 तारीख को छठ पूजा है, और महिलाएं बड़ी संख्या में जो है वो पूजा जो है यहाँ पर तालाब पर आकर करती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आप ये तालाब का नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें पानी है, कितना गंदा पानी है, और यहाँ पर ना ही महिलाओं के उतरने के लिए, कोई भी उतरने के लिए तालाब के अंदर यहाँ पर सीढ़ी नहीं बनी हुई है, और यहाँ पर पूरी गंदगी है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो शशिराज शर्मा है, उन्होंने यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों को इस तालाब की दुरुस्ती को लेकर जो है निवेदन भी दिया है कि इस तालाब को जो है दुरुस्त किया जाए, अगर नहीं दुरुस्त किया जाता है तो इसको लेकर वो आंदोलन भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें, उत्तर भारत में जो है छठ पूजा जो है बहुत अहम मानी जाती है, और इसकी पूजा जो है बड़ी धूमधाम से की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर भी हर साल जो है छठ का पूजा होता था, स्थानीय लोग जो है उन्होंने बताया हमें कि ये तालाब जो है काफ़ी बड़ा और खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन इसे छोटा कर दिया गया, और अब ये तालाब जो है धीरे धीरे बदहाली के कागार पर पहुंचते हुए जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी है, इसकी देखरेख भी बिल्कुल नहीं की जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर आज लोग इकट्ठा हुए हैं और इनकी मांग है कि इस तालाब को जो है दुरुस्त किया जाए, इसे फिर से बनाया जाए, ताकि इस तालाब के किनारे पर महिलाएं पूजा अर्चना कर सकें। नगर सेवकों को किस तरह से लेटर दिया है और क्या मांग किए हैं, शशिराज शर्मा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या बताएंगे आप, आपने इस तालाब को लेकर क्या क्या मांगने किए हैं? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, जैसे कि हमारी मांग ये है कि ये 2014 में हमने ये तालाब के लिए बात किए थे, जो भी थे यहाँ के जिम्मेदार लोग, तो उन्होंने बोले कि हाँ ठीक है, आप लोग तालाब हम बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो उस वक्त उन्होंने बोले कि मतलब छठ पूजा था, छठ पूजा के टाइम पे हमारे काफ़ी उत्तर भारतीय लोग इस तालाब पे आते हैं, तो उस वक्त हमारे जो नगर सेवक शानू पठान, उनको हम लेके आए कि मतलब भाई आप आके देखो तालाब की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग जो हैं मतलब अच्छे से तालाब की देखरेख नहीं कर रहे हैं। वो आए देखे, उन्होंने फिर देखने के बाद अवार्ड साहब से बात की है, अवार्ड साहब को लाके दिखाए, अवार्ड साहब बोले ठीक है तालाब का काम किया जाए। ट्रस्टी जो भी थे उनसे बात हुई तो उन्होंने भी बोले हमें कोई एतराज़ नहीं है, तालाब का काम अच्छा होना चाहिए, तालाब का काम करने के लिए दिए। लेकिन उसके बाद जो तालाब में ये काम हुआ, वो काम सही नहीं हुआ है। मतलब जिस तरह से एक तालाब बनना चाहिए उस तरह से तालाब नहीं बना है। इसमें ना उतरने की सुविधा है, ना साफ़ सफाई है, गंदा पानी है, ना फिल्टर होता, कुछ भी नहीं है। इसमें गटर का पानी, नाले का पानी, ये सब आता है। तो यही हमारी मांग है कि इसमें पाइवट होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या कहा है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होता है, आने वाली 10 तारीख को छठ पूजा है, 10 तारीख को छठ पूजा है, 10 तारीख को छठ पूजा है, तो अगर ये नहीं 10 तारीख तक किया जाता है तो क्या करेंगे आप? देखिए हम यही है, आंदोलन करने के लिए आपने भी लेटर दिया है। जी जी, हमने जो हमारे इस पैनल के, इस एरिया के जो नगर सेवक है, उन चारों नगर सेवकों को हमने लेटर दिया है। कौन कौन के नगर सेवक? नाम राजन किने साहब है, रूपाली गोटे हैं, और ये अपना मोरेश किने हैं, और ये सातपुते ताई है। इन चारों को हमने नगर सेवक दिया है। हमारे अपोजिशन लीडर जो थाने महानगर पालिका के हैं अशरफ शानू पठान, उनको भी हमने पत्र दिया है। पत्र देने के बाद इन लोगों ने आपसे क्या कहा? इनका पत्र देने के बाद पहले हम शानू पठान साहब से मिले, तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप पत्र जो है ना, जो नगर सेवक है उस एरिया के पैनल के, उनको पहले पत्र दो आप। तो हमने उनको पत्र दिए, तो उनका हमें ये आया, सातपुते ताई ने हमें शाम को बुलाए, बोले आप पत्र दिए हो, आप किस लिए दिए हो? तो हमने बोले कि मैडम आप खुद आप देखिए तालाब के, तालाब बनाए क्या सही, जो हिसाब से तालाब होना चाहिए। आज खारेगांव कलवा का देख लो, खड्डी गांव का तालाब देख लो, कि मतलब उतरने की सुविधा है तालाब में, लोग वहाँ हज़ारों की तादाद में जाके छठ पूजा करते हैं। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या? ये कुएँ की तरह तालाब सिर्फ दीवार मार के छोड़ दिया गया है, ना इसमें उतरने के लिए पाइवट है, ना कुछ है, चारों तरफ से कैसा काम होगा, इसमें कैसा त्यौहार पूजा लोग करेंगे? लेडीज़ उतर के दो दो घंटे तक पानी में खड़े रहती है, कैसा उतरेंगे इसमें? इसके लिए हमारी मांग ये है कि इसमें जो पाइवट है अच्छे से तालाब को बना के दिया जाए। और किसी अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बात हुई है? जी जी जी, क्या बोले? और किसी अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बातचीत हुई है इस तालाब को? नहीं, मेरी सातपुते मैडम ने कल शाम में कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किए, उन्होंने बोले कि 1 बजे कॉन्ट्रैक्टर आएगा, लेकिन नहीं आया। फिर एक दूसरा विशु तिवारी करके कोई है, वो अब मुझे फ़ोन किए दोपहर में, बोले कि आए यहाँ पे, बोले शशि शर्मा आपसे बात करनी है, आप तालाब पे आओ। मैं आया यहाँ पे, आने के बाद उनसे मेरी बहस हुई। कौन था वो, क्या बताएं? वो ये बोल रहे
कि तालाब ऐसे ही बनेगा, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोला इसमें छठ पूजा हो सकता है क्या? तो बोलते छठ पूजा के लिए तालाब नहीं है, ये सिर्फ नवरात्रि और गणपति के लिए। हाँ, ऐसा उनका कहना, छठ पूजा इसमें नहीं, छठ पूजा के लिए तालाब नहीं। तो मैंने उनको क्या बोला, मैं उनको क्या बोला कि काम कीजिए, अगर ऐसा है ना तो आप हमारे जो लोगों को या हमारे जो भी पत्रकार जो मुंब्रा शहर के हैं, जैसे हमारे डिजिटल महाराष्ट्र है, प्रहार टाइम है, इनको आके आप इनके सामने बोल दो, मुझे बोलने की अकेले की जरूरत नहीं है कि आप इसमें छठ पूजा नहीं होता है, फिर हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ सुविधा करेंगे। अब भाई जाओ कहीं और करो, यहाँ नहीं हो सकता है। आप क्या कहेंगे, आप तमाम महिलाएं जो है यहाँ जो तालाब है यहाँ पर आती है पूजा करने के लिए, अब छठ भी आने वाला है, छठ पूजा भी आने वाले है, क्या कहेंगे? अभी व्यवस्था तो यहाँ पर कुछ नहीं है और आश्वासन मिले जा रहा है, हो सकता है पूरा ये? अरे ये साल नहीं बनेगा, अगले साल बना के दे देंगे, अभी तो 10-12 दिन का दिन है, वो तो नहीं बन पाएगा। ये साल नहीं बनेगा, अगले साल बना के वो कर दी नहीं है, वो कौन देगा, नेता लग देंगे। इधर मेन से पानी में उतरने का जगह ही नहीं है, ये नहीं है तो 2-4 औरत उतरते, सब आके छठ के दिन आके देखना कितने औरत रहते हैं कितने नहीं रहते। 10 तारीख को आके देखना जरा एक बार और ऐसा ही निकाल लेना फोटो कि हाँ झूठ है बात है कि सच बात है। 10 तारीख को छठ पूजा है शाम को और सुबह, क्या समस्या क्या आती है इसके बदहाली जिस तरह से है, आप लोगों को पूजा करने में क्या समस्या आती है? समस्या ये हम लोग का ये त्योहार ना पानी में का है, पानी में खड़े रहते हैं तो इतने पानी में कितने लोग खड़े होंगे देखो आप। अब उसके बंद पहले था, बल्कि जैसा भी था अच्छा था, सब लाइन से इधर पानी में खड़े रहते थे। आप कह रहे पानी में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन ये पानी तो काफी गंदा है, फिर इसमें आप लोग जाएंगे कैसे? लेकिन पानी में खड़ा रहना पड़ता है, यही पानी में नहाते भी है, यही पानी में नहाते है, उधर ही खड़ा रहते है, यही पानी से शुरू जब भगवान को जल देते हैं और पूजा हम लोग से बहुत अच्छा से होता है, मगर अभी क्या बोलने का, 2 साल से खराब हो रहा है हम लोग का पूजा, हम लोग का कोई गड्ढा इतना है ना कि पता ही नहीं चला, हाथ ही डूब जाएगी तो अभी पता नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से छठ पूजा आ रही है, आपके जो यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी संपर्क किया, इसे ठीक किया जाए, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वही हमको अच्छा करके देंगे तो ठीक है, नहीं करके देंगे तो अगर हम अपना त्योहार अपना पूजा अगर दूसरे जगह दूसरे एरिया में जाके करेंगे तो वैसे हम लोग वोट देने के लिए दूसरे एरिया में जाएंगे, फिर यहाँ के किसको देंगे? जब हमारा कोई सुनवाई नहीं है, हमको कोई देखने नहीं आता है कि ये मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि डूब रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? लेकिन वोट तो वही देंगे ना आप, जहाँ आपका नाम आएगा। नहीं देंगे, नहीं रहेगा तो ना सरकार हो, नगर सेवक हो, प्रधान हो, कोई हो, जब हम लोग का सुविधा रहेगा, सुविधा नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देंगे, सुनेंगे हम लोग को सुविधा होना नहीं चाहिए, छठ पूजा करने के हम लोग को सुविधा चाहिए। अच्छा, कहाँ जाते हैं आप लोग छठ पूजा मनाने? आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? रेती बंदर, कोई जूही चौपाटी जाता है, कोई गांव जाता है, हर जगह हर साल जाते हैं। कहाँ अभी ज्यादा पब्लिक दिखता है, पहले था तो देखो पूरा भर जाता था, अभी कोई नहीं रहता है, गांव चले जाते हैं, इसी के लिए गांव चले जाते हैं तालाब की वजह से। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर इस तालाब को जो है दुरुस्त करने की मांग की जा रही है, खास तौर पर जो यहाँ की महिलाएं हैं और उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि ये तालाब जो है महिलाओं का कहना है कि जो छठ पूजा है वो पानी में जाकर जो है पूजा की जाती है, सूर्य भगवान को जो है जल चढ़ाया जाता है, लेकिन ये पानी ही आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंदा पानी है, इसमें कैसे महिलाएं जाएंगी, कैसे जो है जल अर्पित करेंगी, ये एक बड़ा विषय है। बहरहाल ये तालाब जो है अब धीरे धीरे बदहाली के कागार पे पहुंच रहा है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं और जो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों ने नगर सेवकों से शिकायत जो है बहरहाल की है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस पर कितना असर होता है और क्या ये लोग की मांग पूरी होती है या फिर इन्हें फिर इस मांग को पूरा करने के लिए इन्हें आंदोलन पर बैठना पड़ेगा। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।